Peace, mercy and blessings of Almighty God be upon you. I am Muhyiddin Shaikh, your English communication skills and powerful public speaking trainer and instructor. दोस्तों, आज मैं आपको स्पेलिंग्स के रूल सिखाने जा रहा हूँ। कई लोगों का कंप्लेंट था, इसमें स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि सर इंग्लिश के अंदर में जो स्पेलिंग्स के रूल्स हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बात तो सही है कि इंग्लिश के स्पेलिंग्स के रूल्स कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके भी कई रूल्स हैं। अगर आप उस रूल्स को सीख जाएं तो वो कॉम्प्लिकेशन आप के जिंदगी से खत्म हो जाए, आप फिर कॉन्फिडेंटली सही इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और स्पेलिंग यू कैन एंजॉय। इन फैक्ट हर एक लैंग्वेज के अंदर में उसको लिखने का एक अपना तरीका होता है, उसकी एक मेथड होती है। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में भी स्पेलिंग्स की कुछ मेथड है। एक तो लेटर होता है, जैसे ए बी सी डी, इसको लेटर कहते हैं। जब कुछ लेटर को आप जोड़ेंगे तो उसको पढ़ने के लिए कोई हरकत का होना जरूरी है। उस हरकत को हिंदी के अंदर में सर्वनाम कहते हैं, उर्दू के अंदर में, अरबी के अंदर में एराब कहते हैं और इंग्लिश में उसको वॉवेल कहते हैं। जब लेटर्स के दरमियान आप कोई वॉवेल डालते हैं तो वो कोई साउंड को क्रिएट करता है, उससे कोई आवाज आएगी और उस लेटर्स को मिला के आप पढ़ सकते हैं। बगैर वॉवेल के उस लेटर को नहीं पढ़ा जा सकता है। इस तरह से इंग्लिश के अंदर में पांच वॉवेल्स हैं, पांच हरकत हैं। सो दैट इज कॉल्ड वॉवेल, राइट? सो वी ओ डब्ल्यू ई एल, वॉवेल। वॉवेल का माना होता है हिंदी के अंदर में सर्वनाम, उर्दू के अंदर में वॉवेल को हरकत कहते हैं। सो देर आर फाइव वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए ई आई ओ यू। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड, ए ई आई ओ यू। सो ये इंग्लिश के अंदर में पांच वॉवेल्स हैं, इन पांचों की एक अपनी आवाज है। सही इंग्लिश पढ़ने के लिए इन पांचों के आवाज को, साउंड्स को जानना बहुत जरूरी है। जो लोग पढ़ने में या लिखने में गलती करते हैं, एक्चुअली उन्हें इन फाइव वॉवेल्स के आवाज का नॉलेज नहीं है, इसकी एग्जैक्ट आवाज कैसी होती है। और जब आपको इसकी सही आवाज पता नहीं होगी तो दैट्स अपेरेंटली, जाहिर है कि आप उसे गलत पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द साउंड्स ऑफ दीज वॉवेल्स, इन वॉवेल्स की आवाज क्या है। फर्स्ट यू विल सी ए, इसको पढ़ते ए हैं, लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे, जब इससे कोई वर्ड बनाएंगे तो इस ए की आवाज ए हो जाती है। क्या हो जाती है? ए। अब मेरे साथ रिपीट करें, ए की आवाज जब हम किसी लेटर को ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे तो इस ए की आवाज ए हो जाती है। जैसे एग्जांपल, पी ए टी, पी ए टी, पैट। B A T, bat. C A T, cat. M A D, mad. तो आप देख रहे हैं कि A की आवाज किस तरह से, A की आवाज जब हम किसी लेटर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी आवाज A हो रही है। इस तरह से आप और भी वर्ड्स बनाइए जहां पे ए का इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए और आप उसको फोकस कीजिए कि ए की आवाज क्या है। नाउ विल मूव टू ई, दूसरा जो वॉवेल है उसको ई कहते हैं। इसको पढ़ते ई है, लेकिन जब कोई वर्ड्स बनाने के लिए जब ई का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे ई की आवाज ए आएगी। क्या है ए? नाउ लेट्स हैव अ लुक, पी ई एन, पेन। M E N, men. H E N, hen. P E T, pet. M E T, met. जब आप यहां से फॉलो करेंगे तो सारे लेटर्स के अंदर में ई की आवाज ए, थोड़ा फास्ट पढ़ना है, जैसे P E N, pen. M E N, men. H E N, hen. P E T, pet. M E T, met. तो ये वॉवेल ई की साउंड है ये।
तो आप इसी तरह से और भी वर्ड्स लिख लें और उसको प्रैक्टिस करें। जो थर्ड वॉवेल है वो आई है, इसको पढ़ते आई है, लेकिन जब इसको वर्ड बनाने के लिए इस आई का इस्तेमाल करेंगे तो इस आई की आवाज ई आएगी। क्या आएगी? ई। टेक्स्ट बुक पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, एन आई टी निट, एस आई पी सिप, एच आई पी हिप। इस तरह से आप सिमिलरली कोई भी लेटर्स को यूज करके वहां पे आई का इस्तेमाल करें और उसको जोड़े और इसको जोर से पढ़े, रीड इट अलाउड, जोर से पढ़े प्रैक्टिस करने के लिए, जहां पे आई की साउंड ई होनी चाहिए। पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, एन आई टी निक, एस आई पी सिप, एच आई पी हिप। ना जो तीसरा है, सॉरी द फोर्थ वॉवेल इज ओ, इसको पढ़ते ओ है लेकिन जब आप जोड़ेंगे ओ के जरिए किसी लेटर्स को तो उसकी आवाज औ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? औ। फॉर एग्जाम्पल पी ओ टी पॉट, टी ओ पी टॉप, एच ओ पी हॉप, सी ओ पी कॉप, एल ओ टी लॉट। सो आपने यहां पे ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो ओ की आवाज है औ हो रही है। पी ओ टी पॉट, टी ओ पी टॉप, एच ओ पी हॉप, सी ओ पी कॉप, एल ओ टी लॉट। जो आखिरी जो पांचवा वोवेल है वो है यू, उसको पढ़ते यू है लेकिन जब आप जोड़ेंगे तो यू की आवाज अ हो जाती है। क्या हो जाती है? रिपीट कीजिए मेरे साथ, यू की आवाज अ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सी यू पी कप, सी यू पी कप, एच यू टी हट, एन यू टी नट, कप, सी यू पी कप, एच यू टी हट, एन यू टी नट, एम यू डी मड, टी यू बी टब। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यू की आवाज अ होती है। एल यू सी यू पी कप, एच यू टी हट, एन यू टी नट, एम यू डी मड, टी यू बी टब। ये आपके पांच वॉवेल्स हैं। वॉवेल का इस्तेमाल मैं आपको सारे लेक्चर्स का समराइज करता हूं, मैं खुलासा बयान करता हूं कि इंग्लिश के अंदर में कोई भी आपको वर्ड बनाना हो तो लेटर को जोड़ने के लिए हम वॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। वो वॉवेल पांच है, ए ई आई ओ यू। सही पढ़ने के लिए और सही लिखने के लिए इन पांचों वोवेल का साउंड जानना बहुत ही जरूरी है कि इस पांच वोवेल का साउंड क्या है। तो पांच वोवेल का साउंड ए का एक एक की आवाज, ए का साउंड ए है, ई की साउंड ए, आई की साउंड ई, ओ की साउंड ओ, यू की साउंड अ। अब कैसे सेंटेंस, कैसे आप वर्ड बनाते हैं इसके जरिए? तो ए की आवाज पी ए टी पैट, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एम ए डी मैट, पी ई एन पेन, एम ई एन मेन, एच ई एन हेन, पी ई टी पेट, एम ई टी मेट। इससे आई की आवाज ई है, पी आई एन पिन, एस आई एन सिन, एन आई टी निट, एस आई पी सिप, एच आई पी हिप, पी ओ टी पॉट, पी ओ पी टॉप, एच ओ पी हॉप, सी ओ पी कॉप, एल ओ टी लॉट, सी यू पी कप, एच यू टी हट, एन यू टी नट, एम यू डी मड, टी यू बी टब। सो ये था बेसिक स्पेलिंग्स के रूल्स। आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको लिखें और फिर मैं दूसरे वीडियोस के अंदर में जो स्पेलिंग्स के दूसरे रूल हैं मैं उसको लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्रैक्टिस इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी। आपको इंग्लिश के रूल सीखने के लिए, इंग्लिश के ग्रामर सीखने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आप इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो इंग्लिश जिनको स्पेलिंग्स में तकलीफ होती है आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू,
कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.